मेरी नई रेसिपीज पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाइए। नमस्ते, लताज किचन में मैं लता जैन आपका स्वागत करती हूँ। लौकी की सब्जी बहुत ही हेल्दी वेजिटेबल है और इसे कई तरह से बनाया जा सकता है। मैंने आपके सामने पहले एक ड्राई लौकी की सब्जी बनाई थी, उसकी वीडियो अपलोड की थी, वो आपने बहुत पसंद की और आपके मैसेज आए कि जो लोग घर में लौकी नहीं खाते थे, जैसे बच्चे हस्बैंड, उन्होंने भी उस लौकी की सब्जी को बहुत पसंद किया और लौकी खाने लगे। आज मैं आपके सामने दूसरे मेथड से लौकी की सब्जी बनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आपको वो भी पसंद आएगी और बच्चे हस्बैंड घर में सब मेम्बर्स उसको लाइक करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए और अपने कुकिंग एक्सपीरियंस कमेंट में जाकर शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए लौकी की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। लौकी की सब्जी बनाने के लिए इन चीज़ों की आवश्यकता होगी। 500 ग्राम्स लौकी, इसको घिया या दूधी भी कहते हैं, 1/4 टीस्पून मेथी दाना, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा किया जा सकता है, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून जीरा, 1 पिंच हींग पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 3/4 टीस्पून सॉल्ट या अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 3 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल, 2 हरी मिर्च कटी हुई, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 4 मीडियम साइज टमाटर जिनको मैंने धोकर छोटे पीसीज में काट लिया है। आइए लौकी की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लौकी को पानी से धोकर सुखा लिया है। अब मैं इसको एक पिलर की हेल्प से छीलूंगी। ऐसे हम सारी लौकी छील लेंगे। लौकी छील चुकी है, अब हम इसका ये ऊपर वाला डंठल वाला पार्ट हटा देंगे, नीचे वाला पार्ट भी हटा देंगे। अब लौकी की फांके बनाएंगे और छोटे पीसेस में काट लेंगे। हम पीसेस सेम साइज के बनाएंगे और ना बहुत बड़े बड़े बनाएंगे और ना छोटे बनाएंगे। सारी लौकी के छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। अब एक कुकर लेंगे, कुकर को गैस के ऊपर रखेंगे और कुकर के नीचे गैस ऑन कर देंगे। कुकर में ऑयल डाल देंगे, ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो गया है, अब हम इसमें मेथी दाना डाल देंगे। मेथी दाना चिटक चुका है, अब इसमें जीरा डालेंगे, हींग पाउडर डालेंगे। अब गैस कम रखेंगे और इसमें धनिया पाउडर भी डाल देंगे, हरी मिर्च डालेंगे। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे, टमाटरों को चलाते हुए भून लेंगे। इसमें हल्दी भी डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर भी डाल देंगे। हरी मिर्च को भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर तीखा पसंद नहीं करते हैं तो हरी मिर्च कम डालें। टमाटर के सॉफ्ट होने तक मसाले को भूनेंगे। मसाले से ऑयल अलग होने लगा है, इस मसाले में हम कसूरी मेथी भी डाल देंगे। कसूरी मेथी को हथेली पर लेंगे और इसको मसलेंगे और डाल देंगे। मसाला भूनकर तैयार है। गैस कम कर देंगे। अब हम इसमें
लौकी के पीसेस डाल देंगे। लौकी को मसाले में अच्छी तरह से मिला देंगे। सब्जी में नमक भी डाल देंगे। लौकी मसाले में मिल चुकी है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून के लगभग पानी डालेंगे। कुकर का ढक्कन लगा देंगे। कुकर में प्रेशर आने लगा है। हम 4 विसिल आने तक सब्जी को ऐसे ही पकाएंगे। कुकर में सीटी आ गई है। गैस को मीडियम कर देंगे और 3 सीटी और आने देंगे। चार सीटी आ चुकी है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे। प्रेशर कुकर का प्रेशर ख़त्म होने देंगे। उसके बाद हम प्रेशर कुकर का ढक्कन खोलेंगे। कुकर में से प्रेशर निकल चुका है। अब हम इसको खोल देंगे। सब्जी का कलर बड़ा सुंदर आया है। अब हम इसको कलछी की मदद से थोड़ा प्रेस करेंगे। सब्जी को हम हरे धनिए से गार्निश कर सकते हैं। ऐसे ही हम सारे लौकी के टुकड़ों को प्रेस करेंगे। इसके अंदर अब हम गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाले को मिला देंगे। अब हम कुकर के नीचे गैस ऑन करेंगे और 20-25 सेकंड इसको और पकाएंगे। 25 सेकंड हो चुके हैं। अब हम गैस ऑफ कर देंगे। अब सब्जी को हम हरे धनिए से गार्निश कर देंगे। सब्जी को हम सर्विंग बाउल में सर्व करने के लिए निकालें। लौकी की सब्जी बनकर तैयार है। लौकी की सब्जी बहुत ही टेस्टी बनी है। इसे आप रोटी, पराठा, पूरी, चावल के साथ लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट में सर्व कर सकते हैं। बच्चों के टिफिन में भी रोटी पराठे के साथ पैक करके दी जा सकती है। लौकी की सब्जी देखने के लिए धन्यवाद।